अगर आप भी फेसबुक चलाते हैं तो आप हो जाएं सावधान। अगर फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया पर कोई लिंक आता है तो उसे क्लिक करने से पहले जरा सोच लें, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम के काफी मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला यमुनानगर के हुड्डा सेक्टर 17 से सामने आया है। यमुनानगर हुड्डा सेक्टर 17 में रहने वाले उमेश मेहता साइबर ठगी का शिकार हुए हैं। करीब 10 लाख रुपए साइबर ठगों ने उनके खाते से साफ कर दिए। बिटकॉइंस खरीदने के नाम पर उमेश मेहता इतनी बड़ी ठगी का शिकार हो गए हैं। उमेश मेहता की शिकायत पर अब हुड्डा सेक्टर 17 थाने में केस दर्ज हुआ है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में गहनता से जांच की जाएगी और शिकायतकर्ता को उसके पैसे वापस दिलाने में पूरी कोशिश की जाएगी। ये उमेश मेहता है, कंप्लेंटर या सेक्टर 17 हुड्डा का रहने वाला है, 815 नंबर मकान है इसका। ये लड़का ग्रेजुएट पढ़ा लिखा है। इसने दिसंबर 2017 में जेब पे कंपनी ज्वाइन की थी। इस कंपनी का जो कार्यालय है अहमदाबाद गुजरात में है और इसका जो रजिस्ट्रार ऑफिस हेड ऑफिस वो सिंगापुर में है। और ये कहता भी मैंने ये जो कंपनी है जेब पे कंपनी है, ये बिटकॉइंस के खरीद फरोख्त का काम करता है, खरीदती है और बेचती है। तो इसने दिसंबर 2017 में इस कंपनी में एक बार 4 लाख रुपए के कॉइंस खरीदे और दूसरी बार 6 लाख रुपए के। और जो 7/7/2020 को इसकी जो फेसबुक आईडी, उस पर एक लिंक आया इस कंपनी की तरफ से भी, आप हमारे एक वफादार पुराने ग्राहक हो, हम आपको कंपनी की तरफ से रिवार्ड देना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर अपना ओटीपी नंबर दिया और फिर एक लिंक भेजा। लिंक पर इसने ओटीपी नंबर डालकर लिंक को क्लिक किया और क्लिक करने पर इसके जो अकाउंट से जो अकाउंट था इसका उस अकाउंट से इसके 10 लाख रुपए निकल गए। इस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है और इसके हम तफ्तीश करें, साइबर अपराध है, इसके हम मतलब गहनता से तफ्तीश करके इस मुकदमे को सफल बनाएंगे और इसके पैसे दिलवाएंगे।